तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान की आग तो ठंडी नहीं हो रही है और जवान लगातार आज 29वें दिन तक जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन अभी बात करेंगे कल 28वें दिन तक इसने कितनी क्या कमाई कर ली है। साथ में फुकरे 3 ने भी क्या क्या धमाल मचाया है, कैसी कलेक्शन ये अभी तक कर चुकी है। फुकरे 3 का कल डे 7 था जिसने कंप्लीट कर लिया और धमाकेदार तरीके से कंप्लीट किया है, जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। मैं कह रहा हूँ हिंदी बेल्ट में बहुत ही अच्छी पकड़ बना के रखी है मूवी ने। फुकरे 3 जैसी लिमिटेड फ्रेंचाइजी हमेशा नॉर्थ बेल्ट में ही काम आती है। तो ये अभी बात करते हैं फुकरे 3 और जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, लेकिन पहले फुकरे 3 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फुकरे 3 धमाल मचा रही है। देखो ऐसा है कि जवान की आग के सामने सब ठंडे पड़ गए, लेकिन कितनी ओटीटी पर मूवी रिलीज हुई, कितनी वेब सीरीज आई, और कुछ एक मेकर्स ने गलती यहाँ कर दी कि थिएटर्स में मूवी को रिलीज कर दिया, वो भी जवान के सामने, जो इस टाइम इतनी भयंकर फॉर्म के साथ चल रही कि उसे कोई बीट डाउन कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन बाय गॉड फुकरे 3 में वो करेज आया, दमखम देखने को मिला, जो बिल्कुल जमी रही, डटी रही, तूफान के सामने डटी रही और लड़ी भी, और अमेजिंग कलेक्शंस भी लेकर आई है। देखो ऐसा इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि फुकरे 3 फ्रेंचाइजी का जो नाम है वो किसी ब्रांड से कम नहीं है, और मेकर्स की समझदारी भी वहाँ काम आ रही है क्योंकि इन्होंने कहानी में कुछ बदलाव नहीं करा और वही चीज़ दोबारा से ला के परोस दी, और ये पार्ट ज़बरदस्त लगा और लोगों को पसंद भी यही है। बाकी कास्ट में बिल्कुल बदलाव नहीं किया, वही कास्ट जब दोबारा एक न्यू एनर्जी के साथ तो फाड़ के रख दी। चूचा भाई हमेशा से तालियां बटोरने के लिए उतावले रहते थे और इस बार भी उन्होंने तालियां बटोरी है। उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने अलग ही लेवल में धोया है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो ओपनिंग सॉलिड करी मूवी ने, 8.82 करोड़ कमाए थे फर्स्ट डे पर, सेकेंड डे में 7.8 करोड़, और सैटरडे मतलब थर्ड डे पर 11.67 करोड़, और संडे में जबरदस्त ग्रोथ लेके आई मूवी। जबकि जवान जैसी मूवी सामने थी, सामने वैक्सीन वॉर भी चल रही थी, विकी कौशल की तगड़ी इंडियन फैमिली भी चल रही थी, गदर 2 अभी भी चल रही है, तो 15.18 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन लेकर आई संडे यानी फोर्थ डे पे। मंडे में भी जबरदस्त कलेक्शन किया, यस गांधी जयंती हॉलीडे का फुल फायदा उठाया, जैसे जवान मूवी ने फायदा उठाया वैसे फुकरे 3 ने भी फायदा उठाया, तो 11.69 करोड़ की कमाई ये अपने मंडे यानी फिफ्थ डे पर लेकर आई, और ट्यूसडे सिक्स्थ डे पर 4.11 करोड़ की अमेजिंग कलेक्शन लेके आई। जबकि ये वर्किंग डे है, टोटली वर्किंग डे था ट्यूसडे, वैसे ही वेडनेसडे पर 3.62 करोड़ यानी कल 7वें दिन में ये कलेक्शन लेके आई है। कल भी फुल वर्किंग डे है और साथ में जवान मूवी जो जबरदस्त बाय वन गेट वन फ्री का लगातार अपना ब्रह्मास्त्र मूव चल रही है, इसके सामने फुकरे 3 की कमाई कहीं ना कहीं ढीली पड़ते जा रही है। अगर ये सिंगल डे में रिलीज होती बाय गॉड ये मूवी वर्किंग डेज में भी 6 से 7 करोड़ की कमाई लेकर आती, और हॉलीडेज में तो 20 से 25 करोड़ का कलेक्शन कहीं नहीं गया था। तो इसी के साथ फुकरे 3 कल एंड ऑफ द डे तक मतलब पहले 7वें दिन तक 63 करोड़ की ऑल ओवर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। बाय गॉड ह्यूज कलेक्शन, अमेजिंग कलेक्शन जवान मूवी के सामने होने के बावजूद भी जबरदस्त ग्रोथ कर लिया है पहले 7 दिन में ही, मतलब फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते 63 करोड़ की अमेजिंग कलेक्शन। फुकरे 3 वो फ्रेंचाइजी है, वो अंडरडॉग फ्रेंचाइजी है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, और इन्होंने अपने कंटेंट के दम पर एक नई शुरुआत करी थी जिसमें हमें चूचा द ग्रेट मिला था, और बाय गॉड ये बंदा वहाँ से कॉमेडी के लेवल में अलग ही फनकार है। तो मूवी जबरदस्त काम कर रही है, जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। दूसरी तरफ जवान मूवी भी जबरदस्त कमाई कर रही है और शानदार लेगेसी जो इसने क्रिएट करी है, बाय गॉड इस लेगेसी को ना कोई बीट कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए इस लेगेसी को बीट डाउन करना या मैचअप करना। मूवी जबरदस्त कमाई कर रही है। मूवी अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में कंप्लीट करा गई है, जिसके मेन लीड पर आपको द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, और बॉक्स ऑफिस में मैं बताऊं तो पहला हफ्ता शानदार कंप्लीट करा पूरी दुनिया से 660 करोड़ की कमाई करते हुए, और सेकेंड वीक जब कंप्लीट किया तो 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन हो चुका था अपने सेकेंड वीक में पूरी दुनिया में कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ 25वें दिन तक आते आते मूवी ने सिर्फ हिंदी से 547 करोड़ कमा लिए थे और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 607 करोड़ हो चुका था। वहीं पूरी दुनिया से 1082 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था, और यहां तक बड़ी बड़ी मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी। इवन KGF 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था, और गदर 2 के, पठान के, इन सब के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ये बीट डाउन कर चुकी है और नए रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रही है। इसी के साथ 26वें दिन में मूवी ने सिर्फ हिंदी से 6.65 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया था, और पूरी दुनिया से टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 26वें दिन तक 611 करोड़ हो चुका था, और पूरी दुनिया से 1095 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन हो चुका था। बात करें वहीं 27वें दिन कैसी ग्रोथ हो गई थी,
तो जबरदस्त कलेक्शन हो चुका था। हिंदी से पहले 27 दिन तक 556 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 614 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली नेट इंडियन कलेक्शन में ये बॉलीवुड की नंबर वन मूवी बन चुकी है, इवन इंडियन सिनेमा की नंबर वन ग्रॉसर बन चुकी है जो 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है। क्रॉस से 729 करोड़ आ चुका था तो ओवरसीज से 370 करोड़ और पूरी दुनिया से 1100 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। जहां दोस्तों पठान के रिकॉर्ड को, लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को तो इसने 3-4 दिन पहले ही खदेड़ दिया था, उसके बाद 1100 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था मूवी ने। जबकि हिंदी मूवी बॉलीवुड मूवी के लिए 1100 करोड़ टच कर पाना इतना ईजी नंबर नहीं है। बात करें कल यानी फोर्थ वेडनेसडे की, यानी 28वें दिन कैसी ग्रोथ रही है, तो भाई साहब अमेजिंग ग्रोथ रही है। फुल वर्किंग डे होने के बाद भी इसने चारों मूवी की धज्जियाँ उड़ाई, लेकिन जवान बाकी की तीन फिल्मों को जबरदस्त तरीके से धोते हुए और फुकरे दिल को भी अच्छा टक्कर देते हुए कल हिंदी से 1.8 करोड़ की कमाई लेके आई और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 1.9 करोड़ रहा। ग्रॉस से 3 करोड़ आया, पूरी दुनिया से 5 करोड़ कमाती दिखी है। तो अभी तक पहले 28 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक मूवी सिर्फ हिंदी से 558 करोड़ कमा चुकी है और पहले 28 दिन में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 616 करोड़ हो चुका है और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 1105 करोड़ के आंकड़े में क्लब एंट्री मार चुकी है और जबरदस्त ग्रोथ कर रही है भाई साहब। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोगों की बारी। आपको क्या लगता है फुकरे 3 कितनी कलेक्शन कर पाएगी? मैं मान के चल रहा हूँ लाइफ टाइम कलेक्शन फुकरे 3 का 150 करोड़ ईजी हो जाएगा और 200 करोड़ भी टच कर सकती है। दूसरा, जवान कितना लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है? मैं मान के चल रहा हूँ 1150 करोड़। आपकी क्या राय है? दोनों मूवी अगर आपने देख ली तो ये मूवी भी कैसी लगी आपको वो भी बता के जाना। तो जो भी आप किराया है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।